सेंसर बोर्ड की प्रमुख लीला सैमसन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। उन्होंने ये डिसीजन तब लिया है जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुख्य भूमिका वाली विवादास्पद फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को FCAT द्वारा प्रदर्शन के लिए हरी झंडी दे दी गई है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मीडिया में आई उन खबरों की जानकारी है कि फिल्म को प्रदर्शन के लिए FCAT द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है, सैमसन ने कहा, मैंने ऐसा सुना है, अभी तक लिखित में कुछ नहीं है, फिर भी ये फिल्म प्रमाण बोर्ड का मजाक है, मेरा त्याग पत्र तय है, मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को सूचित कर दिया है। बहरहाल FCAT के निर्णय को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।